हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा बिनपाल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ब्रैसिकेसी फैमिली। ब्रैसिकेसी फैमिली के बारे में हम बात करेंगे। ब्रैसिकेसी फैमिली को हम कॉमनली क्रूसीफेरी भी बोलते हैं, क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं। और कॉमन नेम इस फैमिली का है मस्टर्ड फैमिली। ठीक है, मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी हम इसको जानते हैं क्योंकि इसमें मस्टर्ड आता है। जो आप यहाँ पे इमेज ये देख रहे हैं, ये वाली इमेज, ये मस्टर्ड की इमेज है और मस्टर्ड सबसे कॉमनली हमें देखने को मिल जाता है, तो इसलिए इसका नाम मस्टर्ड फैमिली भी रख दिया है। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आगे आने वाली इस वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले, आप मेरी वीडियोज़ को देख सकें, उनसे सीख सकें और इन रिटर्न मुझे भी कुछ सिखा सकें। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं अपने चैनल पे वीडियोस लेके आती हूँ रिलेटेड टू बायोलॉजी। आप अगर 9th, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन लेवल के, मास्टर्स लेवल के या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो ये चैनल डेफिनेटली आप लोगों के लिए ही है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए मुझसे। डेफिनेटली आप लोग, आई गारंटी दिस कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे मेरी वीडियोज़ के थ्रू और इन रिटर्न मुझे भी कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने हमेशा बोला अपनी वीडियोस में कि अगर आप कोई फैमिली पढ़ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर फंगस पढ़ रहे हैं, एल्गी पढ़ रहे हैं, कोई भी अगर प्लांट पढ़ रहे हैं या कोई एनिमल भी, अगर उसकी लाइफ साइकिल के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसका सिस्टमेटिक पोजीशन को जानिए कि उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो ब्रैसिकेसी फैमिली में जो भी मेंबर्स आएंगे वहां तक, फैमिली तक, हम एटलीस्ट उसका सिस्टमेटिक पोजीशन जानते हैं। तो इट बिलोंग्स टू फेनेरोगेम्स, डायकोटिलेडन्स, पॉलीपेटेली, थेलमी फ्लोरी, पेराइटेल्स, ऑर्डर पेराइटेल्स हो गया और फैमिली ब्रैसिकेसी हो गई या फिर क्रूसीफेरी भी उसको हम बोलते हैं। तो ऑर्डर पेराइटेल्स की अगर हम बात करें, उसके क्या मेन करेक्टर हैं, ऑर्डर पेराइटेल में जो मेंबर्स होंगे उनमें स्टेमेंस क्या होंगे, डेफिनेट भी हो सकते हैं और न्यूमरस भी हो सकते हैं। स्टेमेन का नंबर डेफिनेट टू न्यूमरस हो सकता है। कार्पल यूनाइटेड इंटू यूनिलोक्युलर ओवरी, जो कार्पल होगा वो यूनाइटेड होगा किस में, यूनिलोक्युलर ओवरी में। ठीक है, और प्लेसेंटेशन कैसा होगा, हमेशा उस पर पेराइटल प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिलेगा, इसीलिए उसका नाम क्या, ऑर्डर का नाम क्या है, पेराइटेल्स रखा गया है। ठीक है, द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी विद पेराइटल, यानी कि आउटर वॉल, ओव्यूल्स का अटैचमेंट ओवरी से किसके थ्रू होगा, जो आउटर वॉल होती है पेराइटल वॉल उसके थ्रू होता है, इसलिए उसको पेराइटल प्लेसेंटेशन भी बोलते हैं, इसलिए उस ऑर्डर को क्या नाम दिया गया, पेराइटेल्स नाम दिया गया। ठीक है, अगर फैमिली की बात करें, इट बिलोंग्स टू फैमिली ब्रेसिके, मतलब हम ब्रेसिकेसी फैमिली की ही बात कर रहे हैं, तो ब्रेसिकेसी फैमिली में जो भी मेंबर्स आएंगे वो मेजरली क्या होंगे, हर्ब्स होंगे। ठीक है, एक्स स्टिपुलेट लीव्स उनमें प्रेजेंट होगी, यानी कि स्टिपुलेट स्टिप्यूल्स जो होगा वो एबसेंट होगा। इनफ्लोरेसेंस किस तरीके का होगा, रेसिमोज होगा, ये आप देख रहे हैं रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस है, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, साइमोज इनफ्लोरेसेंस, इस सब पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दिया हुआ है मैंने, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स यूज हो रहे हैं वो सब आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस इसमें हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या होगा, फ्लावर जो टिप होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और फ्लावरिंग साइड से होती है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे एक जो ये स्टेम की जो टिप है वहाँ वो रुक गई है, बट हमें फ्लावर्स कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, साइड से फ्लावर्स का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो उस इस तरीके के इनफ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, और फ्लावर कैसा होगा, टेट्रामेरस, यानी कि फोर उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, पेटल्स प्रेजेंट होंगे, टेट्रामेरस होगा। सेपल एंड पेटल क्या होंगे, फोर होंगे ईच। ठीक है, टेट्रामेरस है। स्टेमन कितने होंगे, सिक्स होंगे। ओवरी यूजली टू सेल्ड होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है इस फैमिली का, कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, फॉल्स सेप्टम हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ओवरी क्या हो जाती है, टू सेल्ड हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, ब्रैसिकेसी फैमिली का, तो ये आपको याद रखना है फॉल्स सेप्टम के बारे में। ठीक है,
अब अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ब्रैसिकेसी ऐसी फैमिली के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। हर जगह हमें ब्रैसिकेसी ऐसी फैमिली के मेंबर्स देखने को मिल देंगे। इन इंडिया इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड इन द हिल्स ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक है। प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में भी हमें ये देखने को मिलेगा और सदर्न इंडिया में भी इसके मेंबर्स हमें जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखते हैं, ठीक है। ब्रैसिका कॉम्पेस्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं सरसों, मस्टर्ड जिसको हम बोलते हैं, रेफेनस सटाइवस जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, रेडिश, आर वाइडली कल्टिवेटेड स्पीसीज इन इंडिया। ब्रैसिकेसी फैमिली के जो दो ये मेंबर्स हैं, कौन, ब्रैसिका कॉम्पेस्ट्रिस जिसको हम सरसों बोलते हैं, मस्टर्ड बोलते हैं, और रेफेनस सटाइवस जिसको हम रेडिश बोलते हैं, वो इंडिया में वाइडली कल्टिवेटेड स्पीसीज है ऑफ द ब्रैसिकेसी फैमिली। वेजिटेटिव कैरेक्टर की अगर बात करें तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रीडोमिनेटली हर्बेशियस होते हैं, हर्ब की कैटेगरी में वो आते हैं। और जो हर्ब्स होंगी वो एनुअल भी हो सकती है, बायनियल भी हो सकती है और पेरिनियल भी हो सकती है। प्लांट यूजुअली हैव अ टैप रूट विच बिकम फ्लैशी इन सम कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ रेफिनस सटाइवस जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिश, और ब्रैसिका रेपा जो टर्निप है। यूजुअली जो रूट होती है ब्रैसिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी जो रूट होती है वो क्या होती है, यूजुअली टैप रूट होती है, बट किन्ही में ये क्या बन जाती है, फ्लैशी बन जाती है। किसी किसी कल्टिवेटेड स्पीसीज में ये क्या, किस में कन्वर्ट हो जाती है, टैप रूट इज कन्वर्टेड इंटू, या फिर ये बिकम बन जाती है फ्लैशी फॉर्म में, ठीक। किस में बनती है फ्लैशी फॉर्म, हम रोज खाते हैं, रेफिनस सटाइवस और ब्रैसिका रेपा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आपको बॉटनिकल नेम भी मैंने लिख के दिए हुए हैं कि रेडिश का बॉटनिकल नेम क्या है, रेफिनस सटाइवस, और टर्निप का बॉटनिकल नेम क्या है, ब्रैसिका रेपा, ओके। अगर स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम क्या होता है, हर्बेशियस है, ब्रांच्ड होगा, सॉलिड होगा, हेयरी होगा और इरेक्ट होगा। लीव्स की बात करें तो लीव्स हमने पहले देख लिया था कि एक्स स्टिपुलेट लीव्स होती हैं ब्रैसिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी, सिंपल होगी, एंटायर होगी। लीफ इज रेडिकल और कॉलाइन, रेडिकल और कॉलाइन का भी डिफरेंस मैंने क्लियर किया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में, ठीक है, तो वो वीडियो जा करके आप जरूर देखिएगा। तो जो लीफ होती है वो रेडिकल या फिर कॉलाइन दोनों हो सकती हैं। इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर की अगर हम बात करें कि फ्लावर कैसा होता है, उसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, तो इन्फ्लोरेसेंस सिंपल और रेसिमोज हमें देखने को मिलता है। फ्लावर क्या होगा, कंप्लीट फ्लावर होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा, यानी कि मेल और फीमेल जो ऑर्गन होंगे, जो प्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक होता है, टेट्रामेरस होगा, ठीक है, एंड हाइपोगाइनस ओवरी हमें कैसे देखने को मिलेगी, यहाँ पे सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। सुपीरियर ओवरी होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन बोलते हैं। कैलेक्स की अगर हम बात करें तो 4 फ्री कैलेक्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेट्रामेरस कंडीशन हमें देखने को मिल रही है तो 4 फ्री इम्ब्रिकेट सेपल्स हमें देखने को मिलते हैं। इम्ब्रिकेट यानी कि उसका एस्टिवेशन कैसा है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है, क्विनकंशियल एस्टिवेशन है। तो हमें कैलेक्स के केस में, ब्रैसिकेसी में कैलेक्स किस एस्टिवेशन में होते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में होते हैं। द टू आउटर आर ऑफन लार्ज एंड टू इनर आर नैरोअर, जो बाहर के जो दो सैपल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और अंदर के जो दो सैपल होंगे वो थोड़े क्या होंगे, नैरोवर होंगे। और जो कोरोला होता है वो भी 4 होंगे, ठीक है, पेटल्स भी 4 प्रेजेंट होंगे, टेट्रामेरस फ्लावर है। इनडिस्टिंक्ट होते हैं, क्रूसी फॉर्म होते हैं और इम्ब्रिकेट पेटल होते हैं। उनका भी एस्टिवेशन कैसा होता है, इम्ब्रिकेट होता है। ईच पेटल इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू अ नैरो क्लॉ एंड अ अपर ब्रॉड लिम्ब। हर एक पेटल जो है, मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो पेटल कैसा होगा, इस तरीके से आपको पेटल हमें देखने को मिलेगा, ये पेटल होता है वो ऐसे करके डिफ्रेंशिएट होता है इंटू दी नैरो क्लॉ, इसको हम बोलेंगे नैरो क्लॉ, और ये क्या हो गया हमारा, अपर ब्रॉड लिम्ब, इसको हम बोलेंगे अपर ब्रॉड लिम्ब, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होंगे, यहाँ पे ऐसे करके पेटल्स सब अरेंज्ड होंगे, ठीक है, ऐसे। टेट्रामेरस फ्लावर है तो 4 ऐसे करके हमारे पेटल्स, 4 पेटल हमें देखने को
मिलेंगे एक फ्लावर में इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। इस कंडीशन को, इस जो ब्रैसिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स होंगे उनमें इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलते हैं, पेटल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो ईच पेटल जो होगा वो डिफ्रेंशिएटेड होगा किसमें, क्लॉ और लिम्ब में। क्लॉ क्या होगा, नैरोवर होगा, ये वाला पार्ट क्लॉ हो गया, और ये जो ब्रॉडर पार्ट हो गया ये क्या हो गया, ब्रॉड लिम्ब के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम कैसा होता है, ब्रैसिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उसमें एंड्रोशियम यूजुअली 6 स्टेमेन उसमें होते हैं प्रेजेंट, विच आर टेट्राडाइनमस, यानी कि टेट्राडाइनमस बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पे, ये भी आप देख सकते हैं एंड्रोशियम का, कि एंड्रोशियम हमें टेट्राडाइनमस देखने को मिलता है, दैट इज द टू आउटर स्टेमेंस आर अपोजिट टू द सेपल्स एंड 4 इनर वंस आर अपोजिट टू द पेटल विच हैव लॉन्गर फिलामेंट्स देन द अदर वंस। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि एंड्रोशियम कितने होते हैं, 6 होता है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं डायग्राम में, ये देख सकते हैं ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एंड्रोशियम की पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। ये वाला जो मैंने हाईलाइट कर दिया है वो एंड्रोशियम की पोजीशन है। तो जो एंड्रोशियम होते हैं 6 प्रेजेंट होते हैं टोटल, कितने एंड्रोशियम होते हैं, 6 एंड्रोशियम प्रेजेंट होते हैं। 6 में से जो आउटर 2 होते हैं वो किसके अपोजिट होते हैं, सेपल के। ये जो आउटर 2 है ये किनके अपोजिट है, ये देखो ये सेपल के अपोजिट है, ये क्या है हमारे, सेपल्स हैं ये वाले, ठीक है। और अंदर वाले क्या है, कैलिक्स कोरोला, सॉरी नॉट कैलिक्स कोरोला, जिनको हम पेटल्स भी बोलते हैं, पेटल पी लिख देती हूँ, चलो ठीक है, पेटल्स, कैलिक्स कोरोला में कंफ्यूजन हो रहा है तो पी लिख दिया मैंने। तो जो आउटर के 2 होंगे वो सेपल के अपोजिट होंगे, ये हमारा सेपल की पोजीशन दिखा रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट आउटर 2 एंड्रोशियम प्रेजेंट है। बाकी जो बचे 4 वो किसके अपोजिट होंगे, जो हमारे पेटल्स हैं उनके अपोजिट होंगे। ये देख रहे हैं आप, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट है। तो इस तरीके से एंड्रोशियम का अरेंजमेंट होता है, ठीक। इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि अभी आगे भी जो चीज हम इसमें अच्छे से समझ पाए। ये तो आपको क्लियर हो गया ना जो मैंने अभी समझाया, कि जो 2 होते हैं पेटल्स, 2 एंड्रोशियम होते हैं वो पेटल के सेपल्स के अगेंस्ट होते हैं, अपोजिट होते हैं, और जो 2 बाकी बचे 4 जो होते हैं वो पेटल के अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये तो होगी एंड्रोशियम की कंडीशन। अब अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम इसमें क्या होता है, बाइकार्पलरी होता है, सिनकार्पस होगा विथ सुपीरियर ओवरी होगा, हाइपोगाइनस कंडीशन होगी यहाँ पे, विथ 2 पेराइटल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कैसा होगा, पेराइटल प्लेसेंटेशन होगा, ईच बियरिंग 1 to many ओव्यूल, ठीक है। बाइकार्पलरी होता है, सिनकार्पस होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, और पेराइटल प्लेसेंटेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रैसिकेसी फैमिली का, ये वाला तो आपको अच्छे से याद रखना है कि अ फॉल्स सेप्टम एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन पेराइटल प्लेसेंटेशन टू द अनदर डिवाइड द ओवरी कैविटी इनटू द 2 लोकस, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एक फॉल्स सेप्टम का डेवलपमेंट हो रहा है, ये फॉल्स सेप्टा का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए हमें ऐसा देखने को लगता है कि ये ओवरी 2 लोक्यूल में क्या हो गई है, डिवाइडेड हो गई है। इसको देख करके हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक जो ओवरी है हमारी वो 2 पार्ट में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम, ठीक है। और जो इसका स्टाइल होता है, द स्टाइल इज सिंपल और एब्सेंट एंड द स्टिग्मा इज 2 लोब्ड और डिस्कॉइड। जो स्टाइल होगा वो सिंपल भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, और जो स्टिग्मा होगा वो बाइलोब्ड भी हो सकता है, 2 लोब्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं और डिस्कॉइड भी वो हो सकता है। अब अगर हम फ्रूट्स एंड सीड्स की बात करें तो जो फ्रूट होता है वो फ्रूट, ये करेक्टरिस्टिक है फ्रूट भी इसका, सिलिकुआ, ठीक है, सिलिकुआ या सिलिक्यूल जो होता है इसका फ्रूट होता है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से फ्रूट होता है, आपने देखा होगा मस्टर्ड का फ्रूट, ठीक, वो भी इंपॉर्टेंट है ब्रैसिकेसी का। और जो उसका फ्रूट होता है, इट प्रोवाइड अ ग्रेट वैरायटी इन शेप एंड साइज इन डिफरेंट टेक्सा।
अलग अलग टेक्सा में ये क्या हो सकता है, शेप और साइज इनका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट जो फ्रूट होगा उस फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, सिलिक्वा। सिलिक्वा इज अ फ्रूट ऑफ ब्रैसिकेसी फैमिली, इतना आपको याद होना चाहिए। पॉलिनेशन अगर हम देखें तो ब्रैसिकेसी फैमिली में पॉलिनेशन ये सेल्फ पॉलिनेटेड भी होते हैं और इंसेक्ट पॉलिनेटेड भी होते हैं, ठीक है। सीड्स जो होते हैं इनके बहुत स्मॉल होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे और कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, ऑयली होते हैं, तभी तो हमें मस्टर्ड से मस्टर्ड ऑयल निकलता है। तो ये बात आपको, मतलब ब्रैसिकेसी फैमिली अगर आप याद कर रहे हैं या फिर आप डिफाइन कर रहे हैं तो मस्टर्ड को अपने दिमाग में रखिए, उसके जो जो करेक्टर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि मस्टर्ड सबसे कॉमन है, सभी ने देखी है, तो जो जो करेक्टर आपको उसमें दिख रहे हैं तो वो करेक्टर आप नोट डाउन करिए, ठीक है। तो उसमें हमें ऑयल, उससे मस्टर्ड ऑयल निकलता है, तो इसलिए हमने उसको बोल दिया कि उसका जो सीड होते हैं वो नॉन कॉटिलेडनस होते हैं और ऑयली होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, यहाँ पे जितने भी पॉइंट अभी तक हमने सब पढ़ लिए उसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है। ये आपको फ्लावरिंग ट्विग दिख रही है किसी प्लांट की, जो किससे बिलोंग करता है, मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। ब्रैसिकेस ये मस्टर्ड का ही प्लांट है, तो आपको ये क्या दिख रही है, उसकी लीव्स दिख रही है, ये क्या है उसका स्टेम है, ये क्या है फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है। टेट्रामेरस फ्लावर होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको वन, एक पेटल का लोब, दूसरे पेटल का लोब, तीसरा और चौथा, ये चार आपको लोब दिख रहे हैं, तो ये क्या है टेट्रामेरस फ्लावर है। फ्रूट क्या है, ये सिलिकुआ फ्रूट भी हमें दिख रहा है इस तरीके से। अब सबसे पहले हमने प्लांट जो ट्विग है, फ्लावरिंग ट्विग वो देख ली, अब फिर हम देखते हैं इसका फ्लावर, फ्लावर कैसा है, ये देख रहा है आपको टेट्रामेरस फ्लावर, वन टू थ्री फोर, और फ्लावर कैसे है कि इसमें ऊपर वाला पार्ट क्या है, ब्रॉड है, और नीचे वाला ये क्लॉ क्या है, नैरो है, इस तरीके से ये फ्लावर है, ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये है हमारा कोरोला जो मैंने यहाँ पे बनाया वो ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ब्रॉड पार्ट दिख रहा है आपको, अपर वाला ब्रॉड है, नीचे वाला पार्ट क्या है, नैरो, नैरो क्लॉ जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो क्या हो गया हमारा कोरोला पेटल हो गए, अब ये हमारा क्या है, ये तो फ्लावर का अगर सेक्शन कट करे तो वो उस तरीके से हमें दिखेगा कि हमें यहाँ पे स्टिग्मा भी देख, स्टेमेन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिलामेंट हो गया, ये पेटल है, स्टिग्मा है, ओवरी है, सेपल है, ये सब चीजें देखने को, ये तो हमें नॉर्मल फ्लावर में भी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, ये तो कैलेक्स हो गया, कैलेक्स भी फोर प्रेजेंट होते हैं, कैलेक्स कोरोला फोर है, टेट्रामेरस कंडीशन है, ये है हमारा स्टेमेन, स्टेमेन क्या, स्टेमेन में क्या होंगे, एंथर और फिलामेंट, इसमें कोई ये एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ कि आपको इसका जो पेटल होंगे वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है अपनी कॉपी में नोट्स बनाते टाइम, और एग्जाम में अगर आप वैसे किसी फैमिली को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस टाइम पे पेटल को ध्यान में रखना है कि कैसा पेटल का शेप होता है, किस तरीके से वो अपर ब्रॉडर पार्ट और नैरो क्लॉ में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और गाइनोशियम भी में भी क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तो नॉर्मल सभी में जो प्रेजेंट होता है, एक करेक्टरिस्टिक टाइप का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर फ्रूट देखें तो फ्रूट इज अ करेक्टरिस्टिक टाइप, फ्रूट एक करेक्टरिस्टिक टाइप का हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं सिलिकुआ, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप का आपको फ्रूट देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे सीड्स प्रेजेंट होंगे। फिर ओवरी देखते हैं तो यहाँ पे हमें करेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे किसका डेवलपमेंट हो जाता है, फॉल्स सेप्टम का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये ओवरी क्या देखने को मिलती है, बाय लोक, मतलब हमें ऐसा लगता है कि दो लोक्यूल में डिवाइडेड हो गई है, ठीक है। और ये है इसका इंपॉर्टेंट क्या, फ्लोरल फॉर्मूला। फैमिली, किसी भी फैमिली को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पहले पहले उसके करेक्टर्स लिखिए, स्टेम कैसी है, लीफ कैसी है, रूट कैसी है, फ्लावर कैसे है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फिर उसके बाद आप उसका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को भी बनाइए। विदाउट फ्लोरल फॉर्मूला और विदाउट फ्लोरल डायग्राम आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है।
अगर आपने कम लिखा है और फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम अच्छे से बनाया हुआ है, तो दैट मीन्स टीचर समझेगा कि आपको पता है, तभी आपने वो चीज़ें वहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, तो फ्लोरल फार्मूला आप तभी अच्छे से बना सकते हैं जब आपको उस फैमिली के बारे में पूरी जानकारी हो, पूरी नॉलेज हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें सेपल देख रहे हैं इंडिकेट एस्टिवेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पेटल दिख रहे हैं, ये पेटल्स हैं। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन दिख रही है। एंड्रोशियम 6 है, दो किसके अपोजिट है, ये और ये किसके अपोजिट है, सेपल के अपोजिट है, और बाकी के जो 4 है वो किसके अपोजिट है, पेटल के अपोजिट है। ये है ओवरी, जिसमें फॉल्स सेप्टम का डेवलपमेंट हो जाता है, ये जिसकी वजह से हमें इसमें दो लोक्यूल देखने को मिलते हैं, पेराइटल प्लेसेंटेशन इसमें हमें देखने को मिलता है, सुपीरियर ओवरी ये होती है। तो ये क्या है, इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। तो इससे पहले हमने क्या देखा, फ्लोरल डायग्राम देखा। अब फ्लोरल फॉर्मूला अगर हम देखें इसका, तो फ्लोरल फॉर्मूला में क्या होता है, ये फ्लावर होगा वो क्या होगा, ई ब्रैक्टीएट होगा, ब्रैक्टीएट उसमें ब्रैक्ट्स उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, हर्माफ्रोडाइट होगा। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होगा और एक्टिनोमॉर्फिक होगा। ये वाला पार्ट क्या दिखा रहा है कि फ्लावर क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है, ये वाला पार्ट फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा। कैलिक्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। कोरोला कितने होते हैं, 4 होते हैं, टेट्रामेरस कंडीशन बताई थी ना, 4 होते हैं। एंड्रोशियम कितने होते हैं, 6 होते हैं, 2+4 कंडीशन, यानी कि दो किसके अपोजिट होते हैं, सेपल के, ये एंड्रोशियम सेपल के अपोजिट होते हैं, और जो 4 होते हैं वो पेटल के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये सेपल के अपोजिट है, ये भी सेपल के अपोजिट है, और ये जो 4 होते हैं ये किसके अपोजिट होते हैं, पेटल्स के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये सेपल के अपोजिट होता है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसको हम बोलते, इसको जो लिखा गया है कैसे लिखा गया, 2+4 के फॉर्म में लिखा गया है। गाइनोशियम क्या होती है, सुपीरियर होती है, तो ये डैश नीचे लगा है, सुपीरियर। आई होप आप लोगों को ये आता होगा। ठीक है, इसलिए मैं इतना यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, बता रही हूँ। ये अगर आप लोगों को ये टर्म्स नहीं पता है, ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो आप डेफिनेटली, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों को कि आप मेरी वो वीडियोस देखें, मैं अभी वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, तो उससे आपको टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, गाइनोशियम सुपीरियर होती है और बाय कार्पलरी होती है, तो हमने 2 लिखा। सिन कार्पस होती है, तो हमने ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये सभी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, और फॉल्स सेप्टम का भी हम इसमें डेवलपमेंट देखते हैं। ठीक है, और पेराइटल प्लेसेंटेशन भी होता है। तो ये क्या है, फ्लोरल फॉर्मूला है ब्रैसिकेसी फैमिली का। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो इसका मतलब, अगर फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम आपको अच्छे से बना रखा है आपने, तो दैट मीन्स कि आपको फैमिली के बारे में नॉलेज है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने समझाने की कोशिश की है, ब्रैसिकेसी फैमिली, वो आप समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी समझ सके इसको। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर वर्ड की आपको मीनिंग चाहिए, तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो, तो वो भी मुझे बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रही, तो वो भी डेफिनेटली आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और मुझे भी सिखाते रहिए, कुछ ना कुछ मुझे भी सिखाते रहिए नीचे कमेंट करके। मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को वीडियो में बताना भूल गई हूँ, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पता है, तो वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।